पेपर है, पेपर का दिखाओ, पेपर दे दीजिए, किसके पास पेपर है? किसके कितने पेपर आते हाईएस्ट कौन है? नेगेटिव है तो उसमें क्या 100 का पेपर नेगेटिव है क्या? मतलब क्वेश्चन आने चाहिए तब आए थे देखना अभी ये शायद है। चलिए लड़कों में सबसे हाईएस्ट कौन है? कितने आ जाते 33 आज पढ़ नहीं रहे होगा रहेगा तो उधर 60-65 मिल जाएंगे। उधर तो और डिफिकल्ट है, इधर तो कभी कभी पढ़ाई हुआ आ जाता पेपर। अब साइंस का पूरा पढ़ा हुआ है देखना अभी। आज के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ध्यान से देखिए, ये क्या है? इसलिए बताते हैं अच्छे से समझा करो पेपर। अरे सॉरी पेपर बता रहे। आज के रेटिना रेटिना समझते हो ना? बताई थी रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कैमरे का कौन सा भाग मनुष्य की आंख के रेटिना पे होता है? लेंस होता है, अपर्चर होता है, शटर होता है या फिल्म? कौन सा होता है? फिल्म। फिल्म आपको देखो फिल्म है हां, ऑप्शन में फिल्म आया था। ध्यान से देखो, आपको मैंने बताया रेटिना काम क्या करता है? कैमरे का। रेटिना किसका काम करता है? कैमरे का। ऑब्जर्व करके सब चीजें दिखाता है, दिखाता है। वो जब काम कर रहा है लेंस क्या कर रहा है? क्या लेंस तो भाई बीच में ही था लेंस ऐसा, फिर उसके बाद रेटिना थी। रेटिना में बताया था इधर से जाके ब्रेन को ऑब्जर्व कर देती, तो कैमरे का काम कर रहा था। कैमरा था नहीं तो फिल्म थी, फिल्म बना रहा पूरा, फिल्म में ऑप्शन करना चाहिए था। कौन करेक्ट हो जाएगा? कौन सा? रात में तारे हिलाते हैं क्यों? वायुमंडल में अपवर्तनांक बदलता है। वायुमंडल में अपवर्तनांक बोलो एकदम से डंडा उठाए क्या? नंबर आ रहे 33 तुम्हारे कितने आए थे? कितने आए थे नंबर? टेस्ट पेपर दिया ना, कितने आए थे रिजल्ट तुम्हारे? कितने आए थे भाई? 21.60 अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अमन तुम्हारे कितने आए थे? डंडा उठाए मालूम पड़ जाएगा भाई साहब एक बात में। अरे कितने आए तुम्हारे? 47 तुम्हारे अर्जल 20 क्या बात है? इधर एकदम ताली बजाने वाला काम किया तुम लोगों ने। तुम्हारे तुमको ही बजाना है। अगला क्वेश्चन देखिए।
चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं, चंद्रमा की सतह पर बातचीत करने गए, ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा पर एक दूसरे की आवाज पृथ्वी की तुलना में बहुत देर बाद सुनाई पड़ती है, चंद्रमा पर उतने समय में सुन सकते जितना पृथ्वी पर है, एक दूसरे की आवाज एक दूसरे की आवाज किस तरह का तरंग देर कम होता है, किसका होता था कैमरे का कौन सा भाग आग के अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति उन वस्तुओं के चित्र कैमरे फिल्मों के प्रयोग से ले सकता है जो आंख के स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ते हैं, जो कि निम्नलिखित बताइए, पराबैंगनी, सोडियम प्रकाश, दृश्य और कौन सी किरणें अपने आप में ले सकती हैं, और कौन सी किरणें कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है, बोलो बिना लेंस का कौन से लेंस, कैमरे का कौन सा भाग मानव के पानी पारदर्शी है फिर भी वर्षा में पानी की बूंद, वर्षा मतलब समझते हो, मेरा समझते हो, ये जो पानी की बूंदों के होने के बावजूद दूर की वस्तुएं नहीं देखी जा सकती क्योंकि इसके कारण प्रकाश किरणों का तीव्र आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश सीधी, मैंने आपको बताया था एक बार कि ऑप्शन सी टिक कर दिया करो, देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन था, सबसे बड़ा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी क्लिक कर देना, नहीं आ रहा तो क्या करना, कौन सा, अरे बता ही नहीं उसका बेटा, डाउट तो पहले क्वेश्चन सुना कर इसलिए बताते हैं दिमाग पहले बैठते वो करके, देखो ऑप्शन कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा, इंद्रधनुष में कितने रंग, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, विक्षेपण अधिक बैंगनी रंग का होता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है आप ध्यान से सुनो, इसलिए बता रहे तो सुन लो अच्छे से, नहीं तो थोड़ा सेवा बैठे थे, पहला है प्रकाश के परावर्तन, दूसरा प्रकाश के अपवर्तन, मैंने बताया था अगर कहीं पे अगर इंद्रधनुष कैसे बनता है अगर वर्ण विक्षेपण ऑप्शन दिया तो उसको ही क्लिक करना है, बताया था ऑप्शन में दिया था फिर क्यों सी बोल रहे हो, नहीं दिया तो तीसरा करना होता है, नहीं दिया होता तो परावर्तन दिया था, मैंने बताया था परावर्तन अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और एक और बताया था वो कौन था आप लोग बताएंगे, नशा करके बैठे हो तो कहां से आ जाएगा आपको, आपको इंद्रधनुष कैसे बनता है बताया था, बताइए कैसे बनता है, वर्ल्ड भी चेपर परावर्तन 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 परावर्तन
फूड भी मतलब और भी पेपर दिया है तो उसको ही क्लिक करना, अगर वो नहीं दिया तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जल की बूंदों द्वारा प्रकाश में तो धनु बनता है, फूड आंतरिक परावर्तक इसके कारण फूड आंतरिक प्रकाश की गति दुगुना में रेडियो तरंग की गति प्रकाश है कम होती है ज्यादा होती है एक समान अनंत कोई नहीं, एक कैसी होती है कैसी होती है एक क्वेश्चन आ गया। हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्योदय के बाद देखे किसके कारण अगला क्वेश्चन है सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं पर मैं कहा नहीं था। ये देखो एंडोस्कोपी किस विधि से प्राप्त होती है, एंडोस्कोपी एकदम इसके कारण पेपर के लिए रिवीजन वगैरह नहीं करके आते हो एकदम ऐसे चले अच्छा लो पेपर देना चलो चले जाते पेपर देना। कुछ लोग तो ऐसा एहसान करने के लिए आते हैं कि हम आए हैं पेपर देने, तुम एहसान मारो मेरा मैं पेपर देने आएंगे भाई मेरा ला मैं पहली बात तो देखो तुमसे पेपर के रुपए नहीं लिया, मैं तो बोलता 30-30 रुपए लेने चाहिए और क्या प्रिंट आउट सब सबका नहीं नहीं जो आया तो उसके 30 जितने एडमिशन है उनसे 30 रुपए लेना चाहिए एक बंदे से। हां जो आया ना है अपने को फर्क नहीं पड़ता 30 रुपए जमा होने चाहिए नहीं तो सोमवार को ठोका जाएगा, वो सब पेपर देने आएंगे मजाक नहीं होता। फ्री की वैल्यू यानी कि फ्री की चीजें की वैल्यू कम हो जाती है भले अच्छा दिया जाए। अब पेपर या मेरे लिए बनना है या सर के लिए बनना है या जो पढ़ा रहा है उसके लिए बनना बनना आपके लिए यार। अभी एग्जाम आएंगे होगा नहीं अरे यार इधर पढ़ाते नहीं है ये नहीं हुआ, अगर पेपर आज पूरा ना फंसाया साइंस का तो देखना। इसलिए बताते हैं ईमानदारी से पढ़ा करो तब तक जन्नत से ही लड़कियां पहले सरकारी नौकरी ऐसा था कितने बंदे आ रहे सरकारी में लग जाए ठीक है, अब ऐसा हो गया कितने बंदे में पास करते हैं यानी कि फेल करते हैं ऐसे क्वेश्चन सेट करते हैं यानी अब तो 90% पेपर हल होगा 10% पेपर हल नहीं होगा और जो यानी कि स्मार्ट स्टडी करेगा यानी कि 10% के चक्कर में रहेगा अरे कैसे नहीं आएगा बनाएगा टाइम चला जाता होगा उधर से पेपर छूट जाता है इसके कारण उधर से छूटा और उस तो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे फेल हो गए 2-4-5 नंबर से जो अच्छे से पढ़ रहा वही 2-4-5 से जाता है नहीं तो कोई कोई तो ज्यादा 30-40-50 बताता सर कि 10 नंबर से फेल हुए थे 0.1 और ये बाप रे 0.1 से फेल हो गए ऐसा लगता है दुख लगता है बताने को तो कुछ नहीं आता। ईमानदारी से पढ़ा करो पेपर यही फंसेगा उधर भी क्योंकि आपको देखो ये पेपर दे रहे हो ना उधर जब पेपर देने जाओगे ना नया नहीं लगेगा आपको कैसा नहीं लगेगा नया नहीं तो एकदम बैठे होगे हाथ का कितने लोगों ने पेपर नहीं दिया है देखो क्या बात है ये चलो आज खत्म कर लेते हैं प्रकाश टॉपिक और इसके बाद कल साथ पढ़ाऊंगा नहीं तो नहीं कल पढ़ाऊंगा शायद। चलिए क्या पढ़ा रहे थे बताओ दूरदर्शी सूत्रदर्शी में किसी को दिक्कत आपको ईमानदारी से बता रहे आदि फिजिक्स यानी कि आधुनिक और मॉडर्न फिजिक्स अलग है ठीक है आधुनिक फिजिक्स से आपको बता दें कि आधुनिक फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर प्रकाश ही चल रहा है कौन सा चैप्टर क्वेश्चन प्रकाश से ही फंसेगा अभी देखना आज बताएंगे उसका क्वेश्चन किससे फंसेगा ज्यादा इसलिए सभी लोग अच्छे से उसका रिविजन एक महीना हो गया कम से कम उसको पढ़ाते हुए हो गया है कि नहीं हो गया अभी खत्म नहीं होने पर बात चल रही है आज खत्म हो सकता है ठीक है। अब देखिए दूरदर्शी और सूत्रदर्शी में किसी को दिक्कत थी किसी को भी बताइए जब वस्तु यानी सूत्रदर्शी के लिए जब वस्तु अनंत पर हो बराबर इसलिए बताते रिवीजन क्या करें।
यम बराबर देखो वो लड़की बता रही पीछे से बाकी लोग बैठे जब जब वस्तु जब वस्तु अनंत पे हो डी बटे यम बराबर यम बराबर यम बराबर लड़के सच में एकदम क्या बताएं अभी तुम लोगों एक बार मात्र मजाक से हटके बता रहे एक बार पेपर दे क्या फिर तुमको अपनी रियलिटी बना हो जाएगी उस दिन से पढ़ना चालू कर दोगे तुमको सुना पता नहीं कौन से नशे में करके आते हो क्या करके आते हो यार समझ नहीं आ रहा है क्यों नहीं पढ़ रहे हो क्या दिक्कत आ रही है जब वस्तु अनंत पर जब वस्तु यम बराबर डी बटे डी का मान क्या होता है होती है जब आपको देगा ठीक है जब वस्तु समान स्थिति में होते हैं यम बराबर वन प्लस डी बटे वन प्लस डी बटे अच्छे-अच्छे भार बोले जब वस्तु समान स्थिति में हो तो यम बराबर डी बटे लास्ट फार्मूला क्या था अच्छा ये देखो जब वस्तु है क्या हो जाएगा M1 आप लोग को बता रहे जो पढ़ाया जाए उसको साथ साथ रिवीजन करते रहो उन्हें आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाली है क्योंकि अभी फिजिक्स से आपको समझ में आ जाएगा पूरा अभी पूरी फिजिक्स खत्म होने वाली है और आपको आता नहीं है कार आपको आता नहीं यूनिट आ जाइए तो बाद में दिक्कत मिलेगी भाई वैसे सब सब्जेक्ट है अगर देखो आपको बता दे इधर आपको पढ़ाया गया कम से कम 80% तो सभी को समझ में आ जाता होगा 100% की गारंटी नहीं है 80% आ जाता होगा अगर इसको अगर आप घर में गए 60% रह जाता है उसके बाद रिवीजन नहीं किया 50 रह जाए अगर रिवीजन कर जाए तो 80 का 80 रहता है और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको आ जाएगा ये जो पूछ रहे हैं भैया दो दिन अगर रिवीजन आपने ईमानदारी से किया होता क्योंकि इसके लिए कौन सा फार्मूला है देखा भी होता साइंस का हम कभी नहीं पढ़ने को बोलते हैं बस एक बार कॉपी घर में खोल लो जाके उसको कि हाँ ये पढ़ा है और उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मगर तब खोलते ही नहीं हो आप लोग खोलते हो कोई कोई कॉपी खोलता है नहीं एकदम कोई बात नहीं खोला करो आपसे ठीक है तो आप लोग भाई पढ़ो प्लीज यार सभी लोग ये दूरदर्शी में किसी को दिक्कत है किसी को भी लड़की या लड़के में यम बराबर अनंत पर हो यम बराबर यम बराबर जब वस्तु समान स्थिति में यम बराबर वन प्लस जब वस्तु यानी कि अब दृश्य का मोर हो तो दृश्य का एंड टू तो यम बराबर किसी को सूचना से लेकर आगे बढ़ जाते हैं आगे ना बढ़ देखिए आवर्धन देखिए आवर्धन आवर्ती नहीं यार हाँ से नहीं क्या तुम्हारे पास पिन नहीं है क्या पेन अरे उधर पीछे भी छप जाता होगा उसे मार्कर के पीछे छप जाता होगा ना मार्कर से लिख रहे हो नहीं छपता आवर्धन का मतलब होता है बड़ा होना है छोटा आवर्धन का मतलब क्या होता है बड़ा या हिंदी नॉर्मल सी भाषा में कहते हैं जूम क्या कहेंगे जूम जो लड़कियां ज्यादा करती है एकदम से कहीं गई मोमोज खाने अरे अरे पिलर हो गई पिलर हो गई ठीक है तो आवर्धन का मतलब क्या होता है बढ़ाया लड़के भी कम नहीं होते एकदम से
भाई ऐसा भाई मैं तो इसका नहीं समझ रहा था, इधर खोपड़ी करके क्या खड़े करना भाई, जब फोटो ही डाल सीधे फोटो खींच जाएगी, नहीं तो ऐसे पीछे से खड़े होंगे, ये साइड निकालो साइड साइड, कौन देखने वाला है। और आप लोगों को हम बताते हैं इंस्टा से बच के रहे हैं, इंस्टा में कुछ रियल में कुछ होता है। नहीं पता चला इंस्टा में बाप रे कितना बुरा दिख रहा, लो लो मैसेज कर दिया, अब बाद में मिलने आया तो भोजन निकाल लिया, कौन है फिर लड़का हो या लड़की है समान बात है उसके लिए, दिक्कत ना आ जाओगे इसलिए इंस्टा में भरोसा नहीं, इंस्टा पर भरोसा नहीं। भरोसे में गए तो भाई किसी किसी के इतने ताने निकले तो उसने एकदम ऐसा दिख रहा बुरा बाप, और मिलने आए एकदम से उससे मवाद दे रहा है। ठीक है क्या नाम है तुम्हारा, नितेश, ओके। आवर्धन का मतलब समझ आ रहा है, नॉर्मल सी भाषा में जूम कर रहा है, आवर्धन का मतलब, आवर्धन का मतलब समझ में आ रहा है, आवर्धन आवर्धन मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में ज्यादा आवर्धन होता है, ये जो कैमरा लगा है इसका सीमित आवर्धन होगा, अगर इसको जूम आउट करेंगे तो हमको छोटा बड़ा जाए। देखो अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हो जूम आउट करता है, कैसा होता है जूम आउट होता है, वीडियो देख रहे हो कैसा होता है जूम आउट कभी, यानी कि अभी देखो इसकी न्यूनतम दूरी कितनी होगी, लगभग 2500 बहुत ज्यादा होगी इसकी, और कैमरा भी 70-80 हजार का है, कितने हजार का है, कितने 70-80 हजार रुपए का, कितने का आई है 70-80, और फोन कितने है 15 का आता है दूसरे मोहल्ले के जूम आउट कर दो तो उसमें दूसरा मामला रहता है, उसमें दूसरा मामला। अभी नॉर्मल में फोटो निकालो और जूम आउट में अगर फोन अच्छा हुआ तो ठीक ठीक निकलेगी, अगर फोन वैसा हुआ तो ब्लर निकलेगी, तब वो आएगा कैसा आता है, आता है कि नहीं आता है। कैमरा अगर अच्छा हुआ तो कोई बात नहीं, जूम आउट कर लो, अब लेके बैठे हो 7000 का फोन, उसको जूम आउट में निकाल लो, फोटो लो जूम आउट में निकाल, अब पता मुंह एकदम कैसा आ जाता है। ठीक है अब ध्यान से देखेंगे, आवर्धन का मतलब सिंपल है समझ आ गया, जूम आउट आवर्धन का मतलब जूम आउट नहीं, आवर्धन का मतलब जूम, आवर्धन का मतलब जूम, जूम का मतलब तो समझते हो इंजीनियर पढ़ा है छोटा, ऐसा मत बोल देना कि झूल झूल के बोल रहा है, आ रहा था हाथ में पीयूष आ रहा कि नहीं आ रहा, जूम आउट करते हो आवर्धन, आवर्धन का मतलब बड़ा या छोटा, आवर्धन का मतलब बड़ा या छोटा, आवर्धन यानी कि सिंपल सी भाषा में बोलेंगे जूम, सिंपल सी भाषा में क्या बोलेंगे, देखिए जूम इन, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, जूम इन क्या होता है, जूम इन आई एम इन तो लिखेंगे एम, ठीक है ध्यान से सभी लोग आप समझिएगा पाते नहीं, ठीक है जूम इन का मतलब देखो छोटा होना, जूम इन का मतलब क्या होता है, जूम इन का मतलब आपको मिच्छा पूछना चाहेंगे ये कौन सा चिन्ह होता है, ग्रेटर देन या लेस देन, ये कौन सा होता है, कौन सा होता है, ये क्या होता है, पता है ना सभी को, ये चिन्ह भी लिखवा दे कि ये ग्रेटर होता है ये लेस होता है, ये कौन सा होता है, लेस यानी कि छोटा, लेस यानी कि छोटा, लेस यानी कि छोटा, ग्रेटर यानी कि बड़ा, ग्रेटर यानी कि बड़ा। तो जब आप जूम इन करेंगे यानी कि जूम इन कर रहे हैं, ऐसे बढ़ा रहे कैमरे को, जूम इन यानी कि दूर की वस्तुएं कर रहे हैं, कैसा दूर के, अब इधर खड़े हैं जूम इन, जूम देखो कोई चीज रहेगी यानी कि आवाज इसमें थोड़ा जूम इन, अच्छे फोनों में या अच्छे इसमें कैमरे में हो जाएगा जूम इन या जूम आउट, ठीक है जूम इन या जूम आउट। अभी देखो इधर नॉर्मल में इतना पेट दिखता होगा वीडियो में सभी को, इतना पेट दिखता कि नहीं, इसको अगर नॉर्मल कर दे तो हम पूरा दिखने लगेंगे, कैसा जूम इन कर दे यानी कि दूर कर दे कैसा दिखने लगेंगे, जूम इन तो एम लेस देन क्या हो जाएगा, छोटी चीजें कैसी दिखती है, एम लेस देन लेस देन लेस देन एम लेस देन एम लेस देन आ रहा समझ में, जूम इन यानी कि एम लेस देन जूम इन यानी एम लेस देन आया सभी को, किसी को दिक्कत, जूम आउट ध्यान से देखिए, ठीक है जूम आउट, जूम आउट का मतलब होता है एम ग्रेटर देन, एम ग्रेटर देन वही जूम आउट का मतलब एकदम फाड़ देने का, ऐसा फाड़ दो एकदम आके देख लो, ठीक है ओके बाय।
लेंस बताया था आपको कितने होते हैं, तीन रंग के, कितने रंग के, बी बी से बताए थे, यानी बी 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 कैसा, ये ब्लैक ब्राउन ग्रीन होता है, नॉर्मल होता है वो भारत में कोई किसी को होगा, हमें तो मतलब साइंस की भाषा में इतने भी रंग दिखाए गए, साइंस की भाषा में कितने दिखाए गए, इतने भी, कौन सा पहला होता है ब्लैक और ब्राउन, ठीक है, बीबी याद कर लो, क्या बीबी बी 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 क्या याद करना है, अब जब नॉर्मल होगा ठीक है, कैसा होगा नॉर्मल, तो एम बराबर वन, एम बराबर नॉर्मल भी होता है ना कभी कभी, जब एकदम रियल फोटो रियल कैमरे से निकाल दो तो किसी को भेज दो तो मर जाए, नॉर्मल फोटो आ गए, मेरी नॉर्मल फिल्टर कैमरे नॉर्मल फोटो आधार कार्ड में मिल जाएगी, कहाँ पे मिल जाएगी आपको बता रहे, कुछ भी करना हो तो पहले बोलो आधार कार्ड की फोटो एक डाल दो बस हो जाएगा काम, या पासपोर्ट की फोटो, पासपोर्ट भी गड़बड़ हो जाता है आधार कार्ड क्लियर रहता है, ठीक है ये समझ में आ गया, एम लेस सॉरी एम लेस देन कब होगा, जूम इन, एम लेस देन कब होगा, एम लेस देन एम ग्रेटर देन जूम आउट, और ठीक है नॉर्मल होगा तो कैसा है, एम बराबर एम बराबर, इतनी बार सभी को समझ में आ गई, आवर्धन भी बड़ा खतरनाक काम है, जूम इन जूम आउट, ठीक है आ गया सभी को, लड़के और लड़के किसी को दिक्कत, आगे पीछे ठीक है आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको पढ़ाया था ये कौन सा लेंस, ध्यान से बताएंगे आप समझो, इधर से क्वेश्चन पूछेगा उधर उधर से वहां पर समझाया था, इधर से क्वेश्चन, ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, आप लोग बताएंगे उत्तल लेंस यानी कि दर्पण, पहले दर्पण सीख लेते हैं, लेंस में दिक्कत नहीं होगी, दर्पण बताएं कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण, ये कौन सा दर्पण, ये कौन सा दर्पण, वो इधर सभी को बता, आपको बताया था दर्पण में उत्तल दर्पण में दिक्कत आई थी किसी को, क्योंकि था ही नहीं कुछ इसमें, था तो अवतल दर्पण में लेंस फोकस फोकस कर बेचा था इसमें कि नहीं था, इसमें कुछ था क्या, आप लोग बताएंगे अगर इस पर प्रकाश पड़ रहा था फैल रहा था कि हल्की सिकुड़ रहा था, और प्रतिबिंब कैसा बनना था, प्रतिबिंब कैसा बनना था, तो क्या हो जाएगा एम लेस देन, ठीक है इसका बात खत्म, उत्तल में कैसा रहता है एम लेस देन, उत्तल का काम खत्म हो गया, उत्तल में कुछ दिक्कत ही नहीं थी, उत्तल में कुछ बताया ही नहीं था आपको, उत्तल में हाँ क्या हुआ, उत्तल यानी कि उत्तल दर्पण में कुछ बताया था आपको एम लेस देन, एम लेस देन, आप ध्यान से देखेंगे अवतल में पूरा झमेला अवतल का, ये क्या होता है पोल, ये क्या होता है पोल, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है रेडिएशन के बीच की दूरी को रेडियस, जब वो वर्क करता है त्रिज्या नापते हैं, ठीक है अब बताइए अगर वस्तु यानी कि इनफिनाइट में है तो इधर इनफिनाइट 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 सेंटर सेंटर, ध्यान से देखिए जब वस्तु इनफिनाइट में बनेगी तो वस्तु छोटी बनेगी, वस्तु इनफिनाइट में बनेगी तो वस्तु छोटी, ध्यान समझो आज तक थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आएगी, मैं चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है जब वस्तु इनफिनाइट में होगी तो छोटी बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी भाई, दूर वस्तु खड़ी तो दूर ही दिखेगी एकदम से, नॉर्मल सी बात करें, ठीक है अब जब इन ध्यान से देखें इनफिनाइट और सेंटर के बीच में थोड़ी बड़ी हो जाएगी, जब सेंटर पे आएगी बराबर हो जाएगी, सेंटर पे कैसी हो जाएगी, जब सेंटर के उधर जाएगी तो बड़ी हो जाएगी, आ गया समझ में, इधर कैसी है, ठीक है देखिए एम लेस देन एम इक्वल बने यानी कि एम बराबर एम ग्रेटर देन, किसी को दिक्कत, लड़कियों में थोड़ा समझने के प्रयास करें, ठीक है आ गया समझ में, उत्तल लेंस अवतल लेंस में दिक्कत लिख लो, हाँ सॉरी दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में किसी को दिक्कत,
किसी को भी होनी नहीं चाहिए भाई। अब भी दिक्कत है तो फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, अभी ठीक नहीं होगा, माइंड है ये, अभी ठीक करके देता। चलो हो गया सभी का, क्या रखे हो गया सभी का, हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, देखिए आपसे पूछेगा उत्तल लेंस में आपको ऑप्शन भी देगा, एम लेस देन वन होगा या ग्रेटर या एम बराबर वन, तो क्या बताएंगे उत्तल लेंस में? एम लेस देन वन। दिक्कत तो पूरी अवतल में झमेला करके रखा है, किसमें? अवतल दर्पण। दिक्कत किसमें है? दिक्कत किसमें है? वस्तु अगर इनफिनाइट में तो इनफिनाइट, इनफिनाइट और सेक्टर, सेक्टर। ठीक है, अब वस्तु अगर इनफिनाइट में होगी तो एम लेस देन सेंटर पर, इसके अंदर देन। अभी भी दिक्कत है? नहीं, किसी को भी, किसी को भी आवर्धन, आवर्धन कैसा हो गया? आवर्धन हम आगे आज का देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक यानी कि लास्ट चैप्टर का टॉपिक है, अपना टॉपिक है। क्या बोले? आवर्धन सिर्फ खत्म हुआ, मैंने ये थोड़ा बोला है कि प्रकाश खत्म हो गया, आवर्धन बोला है। अब देख रहे प्रकाश की दोहरी प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। क्या होता है? ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, जानेंगे प्रकाश की दोहरी। देख लो अगर इसमें आपको फार्मूले लिखने हैं तो लिख लो, देखो ध्यान से फार्मूले अगर लिखने हो तो एम बराबर होता है बी बटे यू, ध्यान से फार्मूले अगर जिसको भी लिखना हो तो लिख ले, एम बराबर होता है माइनस का बी बटे यू, और एक एम बराबर होता है आई बाई ओ। आवर्धन के ये सब किसके हैं? आवर्धन ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल करा इस पर, न्यूमेरिकल करा देंगे किसी दिन, आज प्रकाश हाँ। इसलिए आपको ये पढ़ा है, आपको इस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अभी एक बात और बताते हैं, देखो अभी आपको क्या सिखाया है? उत्तल दर्पण। क्या सिखाया? ये उत्तल दर्पण, दर्पण का उल्टा हो जाएगा लेंस, दर्पण का उल्टा लेंस, दर्पण का उल्टा लेंस। अगर ये उत्तल लेंस है तो इधर कौन सा आ जाएगा? अवतल। कौन सा लेंस आ जाएगा? अवतल लेंस। और ये अवतल है तो इधर क्या आ जाएगा? खत्म, काम हो गया। ठीक है, किसी को दिक्कत? थोड़ा स्पीड में सिखा दिया, नहीं तो दिक्कत हो तो बताओ, एक्सप्लेन कर दे अच्छे से। लड़कियों में दर्पण का उल्टा क्या हो जाएगा? लेंस। दर्पण का उल्टा बोले, दर्पण का उल्टा। अब इधर उत्तल लेंस है तो इधर कौन सा, इधर उत्तल दर्पण है तो कौन सा दर्पण आ जाएगा? अवतल लेंस। कौन सा आ जाएगा? उधर उत्तल है अवतल लेंस, अब इधर अवतल है तो कौन सा आ जाएगा? यही पूरा उधर भी है। अब क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपको, फिर उधर भी सिखाए। ठीक है, किसी को दिक्कत? फार्मूले लिख लो, एम बराबर बी बाई फार्मूले में नहीं चेंज होगा। ये आपका क्या है? प्रतिबिंब। ये क्या है आपका? प्रतिबिंब। और ये आपका है बीम। ये तो बताया है भाई, इसलिए नहीं बताया, नहीं तो इसको भी छोड़ देते। ये आपका इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये कोई इमेज यानी बनी होगी, और ये ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु होगी। ठीक है, तीनों फार्मूले चलो याद ही करा देते। बोलेंगे एम बराबर बी बटे यू, एम बराबर बी बटे यू। किसी ने ये नहीं पूछा कि ये माइनस क्यों लगा है, ये माइनस इसलिए लगा है कि कभी कभी वस्तु इधर भी आएगी, कभी कभी लेस देन भी होगी, होगी कि नहीं होगी, ये तो यानी कि ग्रेटर रहेंगे, यानी कि वस्तु बड़ी होने के लिए, और कभी कभी माइनस में जाती वस्तु ना, यानी कि लेस देन हो रही
इसलिए माइनस का बी वाई फॉर्मूले पढ़ेंगे। हाँ किसमें माइनस रहेगा समझानी बात किसमें माइनस कर रहे हाँ लेंस में फार्मूले में हाँ हाँ फार्मूले सही रहेंगे ठीक है। बोलेंगे फार्मूला एम बराबर ठीक है। सभी को समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? दर्पण का उल्टा नहीं। दर्पण का उल्टा नहीं। दर्पण का उल्टा नहीं। दर्पण का उल्टा नहीं। अब इधर कौन सा लेंस अवतल होगा तो इधर कौन सा हो जाएगा? ठीक है बढ़ जाएगा नहीं बढ़े। प्रकाश की डोरी पर कर देंगे। क्या देखना है? प्रकाश की ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। आ रहा समझ में? पूरी मजे में बैठे हो लड़कियों में? आ रहा समझ में सभी को? आ रहा है सभी को? किसी को दिक्कत? दिक्कत होगी तब दिक्कत ही रहने देते हैं, क्या करेंगे? समझाए? अब देखना प्रकाश कितना बड़ा टॉपिक साइज है सिखाएंगे। अब देखो प्रकाश की दोहरी प्रकृति। हाँ आपको प्रकाश में पढ़ाया था, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? तरंग है। परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, प्रकीर्णन, विवर्तन, ध्रुवण पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया आपको? व्यतिकरण पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? बहुत कुछ पढ़ाया आपको। बस ये प्रकाश के ऑप्शन में देगा, कभी कभी ऑप्शन में आते हैं पूछेगा, यानी कि परावर्तन प्रकाश का दोहरी यानी कि प्रकृति है कि नहीं है, तो आपको क्या बताना है? प्रकाश की दोहरी प्रकृति, प्रकाश की दोहरी प्रकृति, प्रकाश की दोहरी प्रकृति। ध्यान से देखते हैं टॉपिक कितना बड़ा लंबा था, कितने दिन के बाद खत्म हुआ। अभी अभी भी बता दो किसी को परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण में किसी को दिक्कत हो? दिक्कत है क्या? लिखो मत, बाद में टाइम दे देंगे। और बता दो प्रकाश एक प्रकार का कण है, वो कण कैसा है? फोटॉन। वो कण कैसा है? फोटॉन है। वो कण कैसा है? फोटॉन। कण कैसा है? पढ़ाया जाइए, पढ़ाया था प्रकाश एक प्रकार का कण है, वो कण कैसा है? अभी मॉडर्न हिस्ट्री में और इसको अच्छे से समझाया गया, आपको अभी याद नहीं पड़ा है तो उसका ध्यान दीजिए। यानी कि प्रकाश एक प्रकार का कण है, कण भी कैसा है? कण कैसा है? कण कैसा है वो? अब ध्यान से देखेंगे, अगर तरंग में आपको मैंने एक बताया था, उसका सूत्र बताया था, गाय अभिजू, गाय अभिजू, अभिजू देखिए गाय से क्या हो जाएगा? गाय से हिंदी में बोलते थे दृश्य, हिंदी में क्या बोलते थे? हिंदी में क्या बोलते थे? दृश्य को यानी कि प्रकाश बोला था। दृश्य को क्या बोला था? प्रकाश बोला था। प्रकाश बोला था कि नहीं बोला था? आपको इंफ्रा भी पढ़ा दिया था, माइक्रो भी पढ़ा दिया था, रेडियो भी पढ़ा दिया था। ध्यान से देखिए, आपको गामा पढ़ाए थे, एक्सरे पढ़ाए थे, अल्ट्रावायलेट, और इधर तीन आया इंफ्रा और माइक्रो और रेडियो पढ़ा दिए थे। तीन इधर की तीनों पढ़ा दिए थे आपको। प्रकाश उधर छुड़वाया था, पढ़ाते वक्त छुड़वाया था, प्रकाश छुड़वाया था। तरंग टॉपिक में वो था, किसमें था? तरंग टॉपिक।
कौन सा टॉपिक में? तरंग टॉपिक। तरंग का कटा हुआ भाग प्रकाश है। अभी तरंग टॉपिक अगर तुमको एक साथ पूरे टॉपिक पढ़ा देते ना, मतलब कि बताते नहीं टॉपिक, आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाती, इसलिए काट काट के पाठ पढ़ाए। कैसे पढ़ाए? मानव नेत्र पढ़ाए, प्रकाश आपको बताया कि न्यू चैप्टर है, इसके बाद पूरा समझाया। लिख रहे अब प्रकाश भी यानी कि कितने में भागा था? पता चला आपको कभी सिखाने में कि बड़ा टॉपिक है, किसका भाग है? तरंग का। किसका भाग है ये? किसका भाग है ये? तरंग का। तरंग का कटा हुआ भाग प्रकाश है। किसका टॉपिक है ये? तरंग का। तरंग से आपको काट के प्रकाश सिखा दिया, छुड़वाया था आपको, बताया था कि आगे चल के बता देंगे इसको। अब टॉपिक खत्म, तरंग टॉपिक अब खत्म, तरंग टॉपिक इसलिए बोले थे अच्छे से पढ़ो। अब अगर पूरा पढ़ाएंगे फिर से तो एक डेढ़ महीने जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। जो मजा मारे थे मजे ही लेंगे वो। प्रकाश की दोहरी प्रकृति यही है, यानी कि आपसे पूछेगा वो क्वेश्चन में कि ध्रुवण प्रकाश का दोहरी प्रकृति है, तो क्या बताएंगे? दोहरी प्रकृति का मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि ये आपको प्रकाश में भी पढ़ने को मिला और तरंग में भी पढ़ने को मिला। दोहरी यानी कि दोनों में, दोहरी यानी कि नाश्ता भाई लड़की वाले लड़के के लिए ज्यादा रखते हैं कि नहीं रखते, कहीं कोल्ड ड्रिंक कहीं है, लड़के वाले में घुस के कौन पहचानना है? हमने भी बहुत किया, मेरे इधर मारते बहुत है, मेरे इधर भगा देते हैं, मैं कितना भी भगाओ तो छोटे से देश की सर आओ तोड़ देते। गेस्ट हाउस समझते हो, मतलब ऐसा हॉल रहता है, उसको लड़के वाले बुक करते, जब पहले हॉस्टल पे रहते थे तो बुक करते, देखते रहते, पूछ लेते भैया क्या बुक है आज? हाँ बुक है, चार दोस्त चलो आज खाना वाना नहीं खाएंगे आज, बता देते मेरा पेट दुख रहा है, नहीं खाएंगे खाना, बाहर से आ रहे हैं जिग गए। मगर एक बार क्या हुआ, सारी ने मिल गए उधर, उनका भी निमंत्रण, हम लोग बिना चुपचाप गए। अब ये जैसे सर है इनको हम बता के नहीं, इनको बता के जाएंगे कि उधर बिना दावत जा रहे चले गए। और उधर से वो रुपये कमाते थे 3 लाख, 3 लाख सिर्फ उनको फीस मिलती थी एक महीने की, और प्रति टेस्ट वो 70 रुपए रखते थे, हर संडे को टेस्ट लेते थे, एक बच्चा 70 रुपए का टेस्ट देता था, कितने रुपए का? 70 रुपए देने ही, दो है ना तो 70 रुपए जमा करना, नहीं बहुत मारते थे, 70 रुपए का टेस्ट जमा, और चलते साइकिल से एकदम, ना केरियल ना कुछ, ऐसा साइकिल पूरे चलते थे साइकिल से। तो उनके मतलब वो भी गेस्ट हाउस में 11 के बजे करीब गए, हम लोगों ने सोचा कि उसमें कुछ नहीं हुआ यार, डाटा नहीं, लड़के की तरफ से नाचे आचे भी एकदम, पता चला कि यार जब सर आए घुसे अंदर, ऐसा कॉलर पीछे से पकड़ के खड़े इधर का किधर आए, मैंने कहा कहीं नहीं इधर ही से जा रहे थे, तो मैंने सोचा खा लेते। उसके बाद फिर वो ऐसा जब ऐसा बैठे थे आप उठाया पूरा एकदम ऐसा जलील किया, ऐसा खून खोला यार कहाँ से ऐसा क्लास चलो मेरे साथ ही खा लो ऐसा बोला, हम सोचते कि कुछ नहीं हो गया यार, सवेरे के कोचिंग, फिर उसके बाद खड़ा किया, खड़े हो जाओ और चार लोग खड़े से, हमने मैंने सोचा क्वेश्चन पूछेंगे यार कुछ भी पूछ लेंगे, पता नहीं बोलते कहाँ गए थे कि कब रात में मिले नहीं थे, एक क्वेश्चन में था पूछ रहे तुम इधर पढ़ने के लिए आए हो कि इधर बिना दावत के निमंत्रण, मैंने कहा और एक तुम की टी-शर्ट और पहन के गए थे पूरे, मतलब उनका सबसे मतलब उनका ऐसा कॉलेज था, मतलब नवोदय की तारीफ टाइम हम कर रहे थे, किसकी तारीफ? नवोदय की, तो उसमें से जिले से मात्र 70 बच्चे लिए जाते हैं मेरे इधर पूरे जिले से, वो टॉपिक क्या बताता है, 70 मात्र बच्चे लिए जाते हैं, उसकी मेरिट 100 में से लगभग 99 जाती, कितनी? 99। ग्रुप डी पेपर समझ लो अपने नॉर्मल पांचवी की कक्षा का जो पेपर होता है, जो नवोदय विद्यालय का देना ग्रुप डी के तहत, किसके तहत? ग्रुप डी के तहत पेपर आता है, तब मेरे 97 नंबर कुछ थे,
नंबर से फेल हो गए थे। कितने नंबर थे? दो नंबर थे। वो भी सीधी अगर जर्नल से डाल दिया था, अगर वो भी सीट डालते, मैं हूँ एक्चुअली ओबीसी में, जर्नल से फॉर्म डाल दिया था, अगर उससे ओबीसी तो होता तो मेरा वही हो जाता। 96 की गई थी कुछ मेरी, उसमें नहीं हुआ, बाद में ऐसा नहीं हुआ अभी इधर हो गया ना। और इसलिए बताते हैं आपको, छोटा भाई और बड़ा भाई हो उसके साथ साथ तैयारी ऐसी कराऊंगा कि आपको जैसे पांचवी छठी में पढ़ा उसको दूसरे विद्यालय की तैयारी कराना चालू करें, क्योंकि उसका माइंड विकसित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा माइंड विकसित? आप लोगों का माइंड विकसित नहीं हुआ, सहने की क्षमता नहीं रखता। अगर तुमने उस तैयारी कर ली ग्रुप डी की पांचवी में, तो इधर एनटीपीसी क्लियर हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब उसके बाद ग्रुप डी मेरे घर वाले बोला चलो जान के कुछ नहीं होता है, ये क्या तुम्हारे लायक ही नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने सैनिक विद्यालय में डाला, सैनिक विद्यालय में भी अपना एक दो नंबर से मामला फेल उधर भी रहा, क्योंकि मेरिट इतनी हाई जाती है मेरे इधर की कम से कम 100 में 99 95 के ऊपर ही जाती है, और नॉर्मल पढ़ाई नहीं है, एकदम टेक्निकल मैथ वगैरह रहती है, उसमें भी नहीं हुआ। फिर एक विद्यालय में हुआ, फिर घर वाले ने भेजा, भेजेंगे मतलब उन्होंने उनका चाल ऐसी थी कि मतलब ये पढ़ाएंगे फिर ये पढ़ाएंगे फिर ये पढ़ाएंगे उसके बाद तैयारी में डाल देंगे। जब मैं कारण था, मैं तो इतना क्रिकेट खेलता था एकदम से, एकदम मेरे मम्मी पापा शाम सुबह मेरे को डंडे लेके रहते थे, चलो आ जाओ शाम को आए मार देते तब आ जाते, क्योंकि मैं पूरा दिन खेलता था, स्कूल से छुट्टी मार दे ऐसे तुम पढ़ने आए हो जाओ, मतलब दोस्त ग्रुप रहता ना लगा रहता रुपये भी इधर भी नहीं खेलता है, इधर भी बहुत टूर्नामेंट है। आप लोगों को पढ़ते रहो अच्छे से, आपके छोटा या बड़ा भाई होना तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से छठी या सातवीं से उस पर ध्यान देना चालू कर दो, और आगे से आगे उसकी तैयारी रखो, क्योंकि उसका माइंड दोनों जगह लगना चालू हो जाएगा, ये भी सीखेगा वो भी सीखेगा, भले ही फेल हो जाए कोई बात नहीं, उसको बस डीमोटिवेट मत होने देना, फेल हो गया कैसे फेल हो गया ये हो गया वो हो गया, बस इतना मत होने देना, उसको हौसला बढ़ाते रहना कि हो गया चलो तुम्हारे लिए था ही। फिर उसके बाद जब मैं तैयारी करने आया तो बोला कि इसकी तैयारी कर ले, लेफ्टिनेंट मिल जाएगा तेरे को, ये होगा तैयारी भी उसमें भी नहीं हुआ, उसके बाद ये हो गया। आप लोगों को बता रहे तैयारी करते रहो, कभी बर्बाद नहीं जाती है, माइंड विकसित हो जाएगा आपका अच्छे के लिए, भगवान कभी भी बुरा नहीं होता, अच्छा ही होता है, कुछ अच्छा ही होगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, और आप लोगों ने सिर्फ एक तैयारी के बस भरोसे आज चलिए, तैयारी ये मकसद नहीं, आपको हंसी खुशी पढ़ना पड़ेगा उसको, नॉर्मल से कोई भी काम कर रहा ना ईमानदारी से करो, और ऐसे करो कि काम की वो लगे ना कि ये जबरदस्ती हो रहा है। कुछ लोग मेहनत लगाना है, सर ने सवाल दिए थे सोच परेशान है, ये मत करो, हंसी खुशी लगाओ आपको मेहनत आने लगेगी, जिस दिन खेलना सीख गया उस दिन खिला दोगे एग्जाम को। ठीक है, ये समझ में आ गया प्रकाश की दोहरी प्रकृति किसी को दिक्कत, प्रकाश टॉपिक खत्म, प्रकाश टॉपिक।